आज हम आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी बनाएंगे। वैसे तो हम कढ़ी बना रहे हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। कढ़ी के पकौड़े डीप फ्राई नहीं होंगे और स्वाद में जबरदस्त। तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बाउल में 1 कप बेसन डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप दही, जिसे हमने मिक्सी में मिक्स कर लिया है। ऐसा करने से दही में गांठें नहीं होगी और कढ़ी एकदम स्मूथ बनेगा। इसके साथ डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 2-3 चुटकी हींग। मिर्च पाउडर की जगह कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ करने से कढ़ी का कलर चेंज नहीं होता है। और हल्दी हमने बिल्कुल कम डाला है, क्योंकि बेसन का ऑलरेडी येलो कलर होता है। पहले थोड़ा सा पानी डालकर एक डायरेक्शन में घुमाते हुए इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई गांठे ना हो। और फिर इसमें 1.5 ग्लास पानी डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आखिरी में डालेंगे नमक, इसे साइड में रख देंगे। और अब हम कढ़ी के पकौड़ों की तैयारी करेंगे। कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम उड़द दाल, जिसे 4-5 घंटे पहले भिगो लिया है और ये अच्छी तरीके से फूल गया है। अब इसे पानी से अच्छी तरीके से छानकर मिक्सी में डालें। पानी का ध्यान रखें, नहीं तो उड़द दाल पिसने के बाद गीला हो जाएगा। इसके साथ डालेंगे 2 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 4 लहसुन की कली, इन सबको हमने दरदरा पीस लिया है। और इसके साथ डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 3-4 चुटकी हींग और 1/2 चम्मच नमक। अब इसमें बिना पानी डाले इसे पीस लेंगे। उड़द दाल को पीसने के बाद इसे स्टीम से पकाएंगे। एक गहरा बर्तन लेंगे और इसमें सबसे पहले तेल लगाकर अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। फिर उड़द दाल को डालकर अच्छी तरीके से फैला लेंगे। नॉर्मल कढ़ी के कंपैरिजन इस कढ़ी में पकौड़े बिना तेल के होंगे, क्योंकि हम इसे स्टीम से पका रहे हैं। इसके बावजूद ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। एक पतीले में पानी गर्म करके इसके अंदर एक स्टैंड डालेंगे और अब उड़द दाल को इसके डालकर ढककर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 20 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। देखिए, चाकू बिल्कुल साफ है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। जब उड़द दाल ठंडा हो जाएगा, तब हम इसे इक्वल साइज में काट कर निकाल लेंगे। कढ़ाई गरम करके इसमें डालेंगे 4 चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम मेथी दाना। गैस का फ्लेम मीडियम है। मेथी दाना और जीरा को जलाना नहीं है। इसके तुरंत बाद डालेंगे 1 मीडियम साइज का अदरक, जिसे हमने पीस लिया है। और इसके तुरंत बाद डालेंगे घोला हुआ बेसन। और बेसन के बाउल में जितना भी बेसन लगा हुआ है, उसे भी हम पानी से घोल कर कढ़ाई में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। 5 मिनट कढ़ी को पकाने के बाद अब हम इसमें 1 ग्लास पानी और डालेंगे, क्योंकि बेसन को पकने में टाइम लगता है। और इसे ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद चेक कर लेते हैं। देखिए, कढ़ी में उबाल आ गया है। एक बार इसे और चला लेंगे और इसके बाद बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं। इसे ढक कर 20 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 20-25 मिनट के बाद कढ़ी बनकर तैयार हो गया है। और देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बना है। न तो ज़्यादा गाढ़ा और न ज़्यादा पतला। बेसन भी हमारा पक चुका है। और अब हम इसमें उड़द दाल के पकौड़े डालेंगे और ढककर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। कढ़ी बनकर तैयार है और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। कढ़ी में आखिरी में तड़का लगाएंगे। पैन को गरम करके 1 चम्मच घी डालेंगे। घी जब गरम हो जाएगा, तो गैस को बंद करने के बाद ही 1 लाल मिर्च और 1/4 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे, ताकि मिर्च जले नहीं। फिर इसे हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे।